हेलो दोस्तों, हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, इंट्रोडक्शन चैप्टर हमारा हो गया था। हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी, ओम्स लॉ वगैरह हम लोगों ने डिराइव कर लिया था, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें हमने लिखा था रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू व्हाट, रो एल बाई ए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि रो क्या है। रो इज व्हाट, रो इज द रेजिस्टिविटी, बताया ना। रो इज द रेजिस्टिविटी एंड इट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो है वो किसका फंक्शन है, मटेरियल का फंक्शन है। मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा क्या है कि मटेरियल का टेम्परेचर क्या है। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस रो एल बाई ए जो था ये किसका फंक्शन है, ये तो फंक्शन ऑफ व्हाट, देखिए लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और एरिया पे भी। तो मतलब रेजिस्टेंस जो है वो फंक्शन है। सबसे पहले बात तो मटेरियल का तो हो गई, मटेरियल क्यों होगा क्योंकि वो तो इंक्लूड हो ही रहा है, मटेरियल हो रहा, टेम्परेचर हो रहा, एज वेल एज डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, है ना। कंडक्टर की लेंथ क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें L लिखा हुआ है और A लिखा हुआ है, तो हम लोग L के बारे में जानेंगे। L इज व्हाट, सिंपली हम कह सकते हैं लेंथ, बट इस लेंथ का भी एक सिग्निफिकेंस है। लेंथ कैसा होना चाहिए, मतलब किसको हम लेंथ देंगे। अगर हम मान लीजिए बात करते हैं एक क्यूबिक स्ट्रक्चर की, हमारे पास एक क्यूबिक स्ट्रक्चर का कंडक्टर है, कुछ स्टेप्स, ठीक। अब इसमें लेंथ क्या है, हम इसको भी लेंथ बोल सकते हैं, इसको भी लेंथ बोल सकते हैं, इसको भी लेंथ बोल सकते हैं, आई बात समझ। तो हम लेंथ किसको लें चाहिए, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेंथ किसकी तरफ होना चाहिए, लेंथ इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जिस तरफ करंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम लेंथ को लेते हैं। तो लेंथ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेंथ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। एरिया क्या होना चाहिए, और एरिया क्या है, एरिया देखिए यहाँ पे, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, ऊपर भी एरिया है, कौन सा एरिया को लेंगे, है ना। तो एरिया होना चाहिए, एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द करंट, जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया लाई करेगा उस एरिया को हम कंसिडर करेंगे। एरिया एरिया परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, आ रही बात समझ। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, ठीक है। अच्छा नोट करिए, फिर अगर तुमसे बात बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, रो होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है ना, ओ एच एम। बात किए थे हम लोग इसके बारे में, वन अपॉन में आर अगर हम लिख दें, दैट विल बी व्हाट, दिस विल बी कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी के बारे में लोगों ने बात की थी, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, इसका यूनिट क्या आया था, रो मीटर आया था, कल बात की थी इसके बारे में, ठीक है। एरिया ऊपर चला जाएगा, लेंथ नीचे जाएगा, रो मीटर हो जाएगा, ये क्या है, रेजिस्टिविटी। वन अपॉन में आर इज व्हाट, कंडक्टेंस, ठीक। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वन अपॉन में रो, जिसको हम लोग इस तरीके से भी दिखाते हैं, जिससे एम एच ओ, ठीक है, कंडक्टेंस को ऐसे दिखा, ओके। और कुछ आइए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए
रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लेंथ एल एंड एरिया ए, इसके बारे में लोग बात करते हैं। जैसे कि लास्ट में अभी मैंने बताया था, एक क्यूब ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्यूब ले लिया, ये डायरेक्शन एक्स है, ठीक, ये डायरेक्शन वाई है, और ये जो निकल रहा है बाहर की तरफ ये मान लीजिए आपका जेड, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, तो ये थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर है हमारे पास। मैं बोलता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में जो लेंथ है वो ए है, ठीक है, वाई डायरेक्शन में जो लेंथ है वो बी है, और जेड डायरेक्शन में जो लेंथ है, जेड डायरेक्शन में जो लेंथ है वो सी है, ठीक है। देखिए करंट फ्लो कर रहा है, एक करंट फ्लो कर रहा है स्टेप, जिसको नाम दिया मैंने आई, आई वन है ना, अलोंग द एक्स एक्सिस करंट फ्लो कर रहा है आई वन, अलोंग द वाई एक्सिस एक करंट फ्लो कर रहा है, अलोंग द वाई एक्सिस वो मान लीजिए आई टू, ठीक, और अलोंग द जेड जेड एक्सिस, ये रहा जेड एक्सिस के अलोंग एक करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वैल्यू आई थ्री, ठीक है। अब आई वन के डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हमने नाम दिया आर वन, है ना, आई वन की तरफ जो रेजिस्टेंस आएगा, आई वन के अलोंग जो रेजिस्टेंस आएगा वो आर वन हो जाएगा, आई टू के अलोंग जो रेजिस्टेंस आएगा वो मान रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं, बस मैं नाम दे रहा हूँ, इस तरफ जो रेजिस्टेंस दिखेगा वो आर टू होगा, और आई थ्री के डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस दिखेगा वो आर थ्री हो जाएगा। हमें यही फाइंड करना है, आर वन की वैल्यू क्या है, आर टू की वैल्यू क्या है, और आर थ्री की वैल्यू क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर वन की, तो आर वन क्या होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए, रो दे रखा है कि इस मटेरियल का रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है, रो, तो रो लिख लीजिए रो। आर वन पूछ रहा है मतलब आई वन के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस पूछ रहा है, आई वन के डायरेक्शन में, तो हम जानते हैं एल क्या है, एल इज द लेंथ अलोंग द फ्लो ऑफ करंट, तो करंट का फ्लो किधर है, एक्स एक्सिस में है, और एक्स एक्सिस में इस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का लेंथ कितना है, ए है, बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो रो ए, ठीक, अपॉन में एरिया, एरिया क्या है, एरिया हमने बोला था कि करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो सर्फेस पड़ेगा उसका एरिया है, तो करंट का डायरेक्शन का फ्लो, करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग में, मतलब एरिया हमको क्या लेना है, ये वाला लेना, यही तो फेस इसको कवर कर रहा है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा, देखिए सी और बी रेक्टेंगल है, सी और बी, तो क्या हो जाएगा, बी सी, ये हो जाएगा आर वन की वैल्यू, आई बस समझ, आइए आर टू देखते हैं, आर टू देखिए रो एल बाई ए, तो रो तो लिख लीजिए क्योंकि मटेरियल तो सेम है। अब आर टू किधर है, वाई एक्सिस के अलोंग में, आई टू, आई टू के डायरेक्शन में ये, तो अब इसके लिए लेंथ क्या होगा, इस डायरेक्शन में जो लेंथ होगा वही लेंथ होगा इसका, मतलब बी लेंथ होगा, आई बात समझ, तो ये हो जाएगा बी, और एरिया क्या होगा, देखिए एरिया इसके लिए ये होगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस ये जो करंट का डायरेक्शन, ये वाला सर्फेस जो है इस करंट के डायरेक्शन के फ्लो के परपेंडिकुलर है, चाहे इसको बोलिए चाहे इसको बोलिए सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ ए और ये सी, ये हो जाएगा ए सी, ये हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस आर टू, आर टू इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई टू, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आर थ्री की, आर थ्री देखिए रो सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, सी देखिए ये डायरेक्शन करंट का, तो इसके लिए लेंथ क्या है, सी हो है सी, तो रो सी, और एरिया कितना होगा, देखिए ये एरिया होगा, ये एरिया होगा इसका, एरिया कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना है ए, और ये लेंथ कितना है बी, एरिया ए इंटू में बी, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन आई वन आई टू एंड आई थ्री, है ना, आर वन आर टू और आर थ्री की वैल्यू, देख लीजिए बात समझ में आ रही होगी, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं,
रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है अपने, ठीक है। मान लीजिए अपने पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस है ना, कंडक्टर है, हॉलो कंडक्टर ऐसा, ठीक। ये रेडियस मान लिया आर वन है, ठीक है, ये रेडियस आउटर रेडियस जो है वो आर टू है, ठीक। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज रो, पूछ रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। अगर करंट के फ्लो का डायरेक्शन ये है, करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो हो रहा है ना अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, सॉरी अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी अपने को पता है, सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, कुछ नहीं, जो हमने सीखा वही करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम जानते, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, तो रो तो दे रखा है, एल दिख रहा है, एरिया निकालना है, एरिया जो दिख रहा है, करंट का फ्लो ये है तो यही तो एरिया होगा। देखिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल, एरिया कितना हो जाएगा, इसका बाहर वाला एरिया माइनस अंदर वाला एरिया विल बी इक्वल टू दिस एरिया। आई बात समझ, बाहर वाले एरिया से अंदर वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो ये सारे प्रिज्म का एरिया मिल जाएगा, वही चाहिए अपने को। तो क्या लिखेंगे, पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर, दैट्स इट। उसको सॉल्व करेंगे, रो एल पाई कॉमन ले लीजिए, आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ये आंसर है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू। आर यू ऑसम, नोट करिए। देखिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने जा रहा हूँ, रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, ठीक है, बस मैं मॉडिफाई क्या कर रहा हूँ, मतलब इस करंट के डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूँ। करंट का डायरेक्शन अब ये नहीं है, करंट जो है वो मटेरियल के अंदर इस तरीके से फ्लो हो रहा है, अंदर से बाहर हो रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। आउटवर्ड डायरेक्शन ये करंट है, ठीक है। लेंथ एल है, आर वन आर टू है, ठीक। पूछ रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। देखिए करंट का डायरेक्शन को चेंज करने पे रेजिस्टिविटी चेंज, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने को रेजिस्टेंस निकालना है इस डायरेक्शन में, तो अपने को पता है रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, अपने को पता है, ठीक है। अब लेंथ जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना, ये रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन में आपका लेंथ होगा। लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, आर वन से आर टू तक, कितना लेंथ है आर वन से आर टू। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने को जो पता है वही करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन है, अगर इस ये जो मटेरियल है इसका अगर हम साइड व्यू बनाएं, साइड व्यू बनाएंगे तो कुछ स्टेप्स देखेगा, आर वन लेंथ अंदर वाला, आर टू लेंथ बाहर वाला रेडियस, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो हमको आता है वही करेंगे, आर डिस्टेंस पे जाकर के डी आर का एक छोटा सा लेंथ लेंगे, स्ट्रिप बनाएंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप का बनेगा। तो इसका एरिया कितना होगा, व्हाट विल बी इट्स एरिया, है ना, ये अंदर तक है, लेंथ एल लेंथ तक है ना, साइड से देख रहे हैं कितने लेंथ तक जाएगा, ये एल लेंथ तक जाएगा। इसका छोटा सा एरिया डी ए जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू पाई आर इंटू में डी आर इंटू में एल, ठीक है। और अगर बात करेंगे अपन डी आर में, टू पाई आर इंटू में एल होगा, ठीक है, dr कर देंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक। अब छोटा सा अगर हम रेजिस्टेंस dr की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो l कितना होगा, देखिए l कितना है dr के बराबर, ये हो जाएगा dr अपॉन में 2 पाई r इनटू में, ये छोटा सा रेजिस्टेंस, ठीक। अब अगर हमको पूरा रेजिस्टेंस चाहिए उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से r तक, और इसको r1 से स्टार्ट हो रहा है ना मटेरियल, देखिए मटेरियल R1 से स्टार्ट हो रहा है, R2 तक जा रहा है, मटेरियल इज फ्रॉम R1 टू R2, ठीक, R1 से R2 तक इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आई इंटीग्रेट करते हैं, रो 2 पाई और L कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, रो अपॉन में 2 पाई L कांस्टेंट बाहर निकल गया, अंदर क्या जाएगा 1 अपॉन में R इंटू में डी आर,
है, R1 से R2 तक। वन अपॉन में एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अन एन एक्स होता है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर इज इक्वल्स टू रूट 2πn ln r लिमिट R1 से R2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो R विल बी इक्वल्स टू रो 2πn ln R2 माइनस R1, it can also be written as resistance R is equals to rho 2 pi L ln logarithm का property R2 upon में ये हो जाएगी resistance के बारे में, ठीक है, चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, दोनों से ठीक है। log a माइनस बी इक्वल्स टू log a बाई बी, वही प्रॉपर्टी लगाई है logarithm, ठीक। तो देखिए करंट के फ्लो के डायरेक्शन को चेंज करते ही रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, कुछ लॉग में आने लगी, आ रही बात समझ में। तो इट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट आल्सो, नोट करिए, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है स्फेरिकल सेल, मान लीजिए अपने पास कोई स्फेरिकल सेल है ना, अंदर R1 रेडियस का वॉल्यूम है, उसके बाद R2 रेडियस का क्या है मटेरियल कंडक्टर भरा हुआ, जिसकी रेजिस्टिविटी रो, करंट जो है वो अंदर से बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, करंट जो है वो अंदर से बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, पूछ रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना होगा, कुछ नहीं करना अपने को, क्योंकि पता है क्या करेंगे, जो आते हुए करेंगे आर पे जा करके डी आर का छोटा सा स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, आर पे जा करके डी आर का छोटा सा स्ट्रिप लिया, एरिया कितना हो जाएगा, छोटा सा एरिया डी ए विल बी इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, लेंथ कितना हो जाएगा डी आर के बराबर हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस इसको टू क्या होता है रो एल बाई ए, तो यहाँ से मिल जाएगा रो एल कितना है डी आर, एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो दिस इज व्हाट छोटा सा रेजिस्टेंस डी आर की वैल्यू होगी। टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं R1 से R2 तक, R1 से R2 तक, तो R विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेट करिए इसको रो अपॉन में 4 पाई, कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन में आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन अपने को पता है, रो 4 पाई इंटीग्रेशन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाई आर लिमिट R1 से R2 तक, R1 से R2 तक, ठीक है, माइनस लगा हुआ है इसलिए लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर देंगे, रेजिस्टेंस वगैरह निकल आएगी रो अपॉन में 4 पाई, हाँ 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ दिस स्फेरिकल सेल, आई बात समझ में, छापिए छापो। मान लीजिए कुछ इस शेप का अपना कंडक्टर है, लेंथ एल है ना, फ्रैक्ट्रम से बोलते हैं इसको, बाल्टी का से फ्रैक्ट्रम से बोलते हैं ना, ये R1 है रेडियस यहाँ पे और आउटर रेडियस यहाँ पे जो है R2 है, ठीक है, पूछ रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, R2 वैल्यू पूछ रहे हम क्या करेंगे, देखिए मान लेंगे कि एंगल थीटा है, मान लेंगे कि एंगल कितना है थीटा, और ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी सकते हैं, लाइन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक, तो वाई हम क्या करते हैं वही करेंगे, आर लेंथ पे जाकर के डी आर का छोटा सा लेंथ लेंगे, या फिर एक्स पे जाकर के डी एक्स का छोटा सा लेंथ लिया डी एक्स, ठीक, तो वाई ये रेडियस हमने मान लिया कि आर, तो देखिए वाई वाई की डायरेक्शन क्या है आर, तो आर इज इक्वल्स टू एम क्या होता है स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होता है टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए ये आर टू है और ये लेंथ कितना है आर वन है, तो ये लेंथ कितना, सॉरी ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा आर टू माइनस आर वन, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है ना,
आर टू माइनस आर वन अपॉन में ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, जो कि अपना स्लोप, ठीक। उसके बाद आता है एक्स, तो एक्स कितना है डी एक्स के बराबर, मतलब लेंथ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस कितना है इसका डी एक्स, तो डी एक्स इंटरसेप्ट कितना है सी, सी की वैल्यू कितनी है देखिए, इंटरसेप्ट कितना है ए है, मतलब ये आर वन जो, तो अगर यहाँ से मैं बोलूँ कि डी आर की वैल्यू कितनी होगी, उसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो डी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एक्स ही है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी आर टू माइनस आर वन अपॉन में लेंथ एल इंटू में डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू है डी आर की वैल्यू, ठीक, ओके। तो ये लेंथ था ना इसलिए यहाँ पे एक्स, ठीक। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए वैल्यू रखते हैं, रेजिस्टिविटी रो दे रखी है, ये दे रखी तो लिख लीजिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी है रो, ठीक। तो रो लेंथ कितना हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स फॉर्म में एरिया कितना है एरिया मान लीजिए ए, ठीक, वैल्यू रखते हैं आप ठीक है, यहाँ पे उसको छोड़िए जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ सबसे पहले हम लोग डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी एल डी आर अपॉन बी आर टू माइनस आर, ठीक है। अब अगर हम छोटा सा रेजिस्टेंस, अगर हम लोग रेजिस्टेंस आर की बात करते हैं तो आर की वैल्यू कितनी होती है, रो एल बाई ई वैल्यू लिखते हैं, रो की वैल्यू कितनी है, रो के बराबर है लेंथ कितना है डी आर डी एक्स है, ठीक है, डी एक्स है अपॉन एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर है ना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी एक्स की वैल्यू अगर हम लिख लें यहाँ पे तो ये वैल्यू जो होगी वो छोटा सा रेजिस्टेंस डी आर की वैल्यू होगी, डी एक्स की वैल्यू लिखते हैं तो डी आर विल बी इक्वल्स टू रो इनटू में डी एक्स की वैल्यू उठा कर रखें एल डी आर अपॉन में आर टू माइनस आर वन ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, आर वन से आर टू तक, आर वन से आर टू तक, ठीक, सॉरी जीरो से आर तक, और ये हो जाएगा आर वन से आर टू तक। तो आइए सॉल्व करते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, रो एल कॉन्स्टेंट है नीचे आर टू माइनस आर वन कॉन्स्टेंट है पाई कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा वन अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में डी आर आर वन से आर टू तक, ठीक है। वन अपॉन में आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ वन बाई आर हो जाएगा, ठीक है। लिमिट रखेंगे सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए यहाँ पर जगह कम से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी रो एल अपॉन में पाई आर वन इंटू में ये आएगी रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन के बारे में लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी रो एल अपॉन में आर टू माइनस आर वन इंटू में पाई माइनस ऑफ वन में लिमिट आर वन से आर टू, ठीक है। माइनस लगा हुआ है इसलिए क्या करेंगे लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट रख करके सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे ये वैल्यू निकल के आएगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस केस, ठीक है। इसी टाइप की कोई सा भी स्ट्रक्चर दिया होगा तो उसका रेजिस्टेंस आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जो गवर्निंग इक्वेशन जो गवर्निंग आपका फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला आपका गवर्निंग फॉर्मूला यही रहेगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं, बस उसी फॉर्मूले में रख करके चीज़ें जहाँ से जहाँ करते हो उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अ रेजिस्टेंस, मतलब जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वॉट, टेम्परेचर, मटेरियल एंड डायमेंशन, है ना, तीनों चीज़ों की प्रॉपर्टी। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कैसे रेजिस्टेंस के ऊपर वो इम्पैक्ट डालता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, आर की वैल्यू कितनी थी, 2 ml अपॉन में एंड ई स्क्वायर टाउ ए, ये था, है ना। और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या थी, रेजिस्टिविटी वाज इक्वल्स टू 2 ml एंड ई स्क्वायर इनटू में टाउ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर की, कंडक्टर में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर में, जब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो हमको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होती है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, मीन प्री पर टेम्परेचर का डायरेक्ट, सॉरी मीन वो RMS वैल्यू, है ना, स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसमें हम लोगों ने बात की थी, इसमें BD की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस, है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो कम हो जाएगा, है ना। अरे वेलोसिटी बढ़ रही है तो कोलिजन का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी टकराएंगे ना, तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। तो पहला रिजल्ट तो हम यही देते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने के टाउ की वैल्यू कम होगी। अब अगर टाउ की वैल्यू कम होगी, ये फॉर्मूला और लिखते हैं क्या, रो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ई, ठीक है, रो जो है भैया, जब टाउ की वैल्यू कम होगी, जब टाउ की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। अब जब रेजिस्टिविटी इंक्रीज किया, रेजिस्टिविटी इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंडक्टर के केस में अगर हम लोगों ने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये रिजल्ट निकलता है, देख लीजिए, ठीक है। बट अगर हम बात करेंगे सेमी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने के रेजिस्टेंस कम हो जाता है, हालांकि वहां भी ये सारी चीजें गवर्न करती है, लेकिन वहां पे एक चीज और गवर्न कर जाता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें वो बढ़ जाता है। मैंने बोला था कि सेमीकंडक्टर एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें हम लोग उसको अपनी सुविधा के अनुसार यूज करते हैं, चाहे उसको एज ए कंडक्टर यूज कर ले, चाहे एज इंसुलेटर यूज करें, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में लाई करती है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, ठीक है। और उसमें अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाने होते तो हम उसको क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी या फिर कोई भी इस टाइप की एनर्जी देते हैं जो कि उसके अंदर हीट प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री हो जाएगा। उसमें जैसे हम टेम्परेचर देखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बढ़ जाती है, एन की वैल्यू बढ़ जाती है काफी ज्यादा, ठीक है, एन की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। आगे बात समझ में, बिल्कुल ये भी बढ़ता है लेकिन ये ज्यादा बढ़ जाता है, आगे बात समझ में, इसलिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है इसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर कम होता है, क्योंकि सिंपल फंडा उसमें ये है, जब आप लोग सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि मैं यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बस इतना समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, जबकि कंडक्टर में क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। अब कैसे बढ़ रहा है, कितना बढ़ता है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, उसको नोट करिए। अब हम लोग बात करेंगे कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, ठीक। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जो स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए कि कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, आर नॉट है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के जो छोटा सा चेंज इन द रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर या फिर डेल्टा टी या फिर डी टी जो भी चाहे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी टी लिखते हैं छोटा सा, यहाँ पे डी आर लिखा है, डी टी लिख देते हैं अच्छा लगेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो छोटा सा चेंज इन द रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर नॉट डी टी के, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग कॉन्स्टेंट का साइन हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा, तो डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
उसको हटाना है, दैट विल बी इक्वल्स टू अल्फा अल्फा इंटू में आर नॉट डी टी, ये हो जाए ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस चेंज रेजिस्टेंस अपने को अगर फाइंड करना है तो हम लोग लिखते हैं आर इनिशियल या फिर आर नॉट और आर फाइनल। आर इनिशियल कितना है, आर नॉट है ठीक है, इंटीग्रेट कर लीजिए ऐसे। तो यहाँ से मिल जाएगा आर फाइनल माइनस आर नॉट विल बी इक्वल्स टू आर नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर निकल लिया, इंटीग्रेशन अल्फा डी ये वैल्यू ठीक। चाहो तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हो, आर फाइनल विल बी इक्वल्स टू आर नॉट प्लस आर नॉट इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी ठीक, आर नॉट कॉन्स्टेंट कर लोगे आर नॉट वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू में डी टी ठीक है। अगर अल्फा आपका कॉन्स्टेंट है ना, इफ अल्फा इज कॉन्स्टेंट, इफ अल्फा इज कॉन्स्टेंट तो आर फाइनल विल बी इक्वल्स टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डी टी ठीक। ये फॉर्मूला देखिए आपको जाना पहचाना लग रहा होगा, क्लास 11th में थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था, उसमें चेंज इन लेंथ या फिर फाइनल लेंथ जो था वो कितना था, एल वॉज इक्वल्स टू एल नॉट वन प्लस अल्फा इन टू में यहाँ पर डेल्टा टी लिखी ज़्यादा अच्छा लगेगा डेल्टा टी ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से। जहाँ पे अल्फा क्या है, कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा इज कोफिशियंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, कोफिशियंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस ठीक है। थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा अल्फा के लिए, यहाँ पे हमने देखा था, मैं मिटा दूँ इसको, हमने देखा था कि कंडक्टर के केस में, कंडक्टर के केस में हमने क्या देखा, कंडक्टर के केस में देखा था कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे, कंडक्टर के केस में देखा था टेम्परेचर को बढ़ाने पे रेजिस्टेंस जो था वो इंक्रीज हो रहा था, और सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर को बढ़ाने पे रेजिस्टेंस जो था वो कम हो रहा था ठीक। इसका मतलब ये है कि फॉर कंडक्टर्स अल्फा इज पॉजिटिव, ध्यान दीजिए इस चीज को, फॉर कंडक्टर्स अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा जगह पॉजिटिव है कंडक्टर के लिए तभी तो रेजिस्टेंस फाइनल जगह बढ़ेगा, और फॉर सेमीकंडक्टर्स, फॉर सेमीकंडक्टर को भी ऐसे लिख देता हूँ सेमीकंडक्टर ठीक है, फॉर सेमीकंडक्टर अल्फा शुड बी निगेटिव, कम होना चाहिए ना रेजिस्टेंस, कम होना चाहिए इसलिए अल्फा शुड बी निगेटिव फॉर व्हाट सेमीकंडक्टर ठीक है। नोट करिए, देखिए क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन रो वन रो टू अल्फा वन एंड अल्फा टू सच दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब कोई कॉम्बिनेशन हमने बनाया है ना, एक मटेरियल है जिसका लेंथ एल है, जिसकी रेजिस्टिविटी रो वन है और आपका थर्मल एक्सपेंशन का वैल्यू अल्फा वन है, दूसरा मटेरियल जिसका सेम लेंथ है एल ठीक है, रेजिस्टिविटी रो टू है और थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो अल्फा टू है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो यूनिफॉर्म है ए ए ठीक है। पूछ रहा है कि इसमें क्या रिलेशन होना चाहिए, रो वन अल्फा वन रो टू अल्फा टू में क्या रिलेशन होना चाहिए, कि जो सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट, जो रेजिस्टेंस है इस सिस्टम का, इस सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब टेम्परेचर बढ़े चाहे घटे रेजिस्टेंस की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ठीक है, क्या रिलेशन होना चाहिए आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इनिशियल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इनिशियल विल बी इक्वल्स टू रो वन एल अपॉन में ए, इसका रेजिस्टेंस हो गया प्लस इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो टू एल अपॉन में ए
देख लीजिए ठीक है। आर फाइनल की बात करें अगर, तो आर फाइनल कितना हो जाएगा, रो वन वो तो चेंज होने से रहा, एल अपॉन में ए, एल की वैल्यू क्या होगी, थर्मल एक्सपेंशन में से लेंथ चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा वन प्लस अल्फा इंटू में डेल्टा टी प्लस रो टू एल ए अपॉन में इसका जो लेंथ चेंज होगा वो चेंज होगा अल्फा अपॉन वन प्लस अल्फा टू इंटू में डेल्टा टी, ये आर फाइनल होगा। अगर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना नहीं होना है तो इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस, तो आर इनिशियल विल बी इक्वल टू आर फाइनल, यहाँ से हो जाएगा रो वन एल अपॉन में ए प्लस रो टू एल अपॉन में ए इज इक्वल्स टू रो वन एल अपॉन में ए वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी प्लस रो टू एल अपॉन में ए वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी, ठीक है। ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ से देखते हैं कुछ काटते फूटते हैं अपने अपना कई काम, ए में ए को ए से मार डालो, एल में एल को एल से मार डालो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ क्या बच रहा है, रो वन बच रहा है, रो तो रो वन प्लस रो टू, रो वन प्लस रो टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बच रहा है देखिए, रो वन इंटू में वन यानी इक्वल्स टू रो वन प्लस रो वन अल्फा वन डेल्टा टी प्लस यहाँ पे रो टू प्लस रो टू अल्फा टू डेल्टा टी, ठीक है। ये मिलेगा तो देखिए रो वन में रो वन को रो वन से मार डाला, रो टू में रो टू को रो टू से मार डाला, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, ऊपर लिखता हूँ, ब्लूइंग थोड़ा सा हल्का हो गया, ब्लैक से लिखता हूँ। देखिए रो वन अल्फा वन डेल्टा टी ये बच रहा है अपने पास, तो रो वन अल्फा वन डेल्टा टी प्लस रो टू अल्फा टू डेल्टा टी, रो टू अल्फा टू डेल्टा टी शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे उधर जाके खत्म हो जाएगा ना, तो मिलेगा रो वन, मिलेगा अपने को रिजल्ट रो वन अल्फा वन प्लस रो टू अल्फा टू शुड बी इक्वल्स टू जीरो, ये रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि रो वन अल्फा वन शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ रो टू अल्फा टू, अपने को पता है रो वन और रो टू नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो नेगेटिव क्या होगा अल्फा टू, अल्फा टू या फिर अल्फा वन, मतलब अल्फा वन जो है वो अल्फा वन या फिर अल्फा टू दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव होगा थर्मल कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है ना, एक अल्फा, दोनों अल्फा में से एक अल्फा को नेगेटिव होना पड़ेगा दूसरे को पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि अगर आपको कोई ऐसा सिस्टम बनाना है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हो, तो जो सिस्टम है वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका, कंडक्टर का और सेमी कंडक्टर का। देखिए एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है नेगेटिव, हम लोग इसको अच्छे समझने के लिए ऐसे भी ले सकते हैं, अल्फा वन सॉरी रो वन अल्फा वन इज इक्वल टू रो टू माइनस ऑफ अल्फा टू। हम लोगों ने देखा था कि कंडक्टर के केस में अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और सेमी कंडक्टर के केस में अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो एक तो पॉजिटिव आ रहा है दूसरा क्या रहा है नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कि आपको अगर कोई ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि टेम्परेचर के जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हो, तो वो जो सिस्टम होगा वो कॉम्बिनेशन होगा कंडक्टर का और सेमी कंडक्टर का, ठीक है, तभी वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा टेम्परेचर के। आ रही बात समझ में, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, आप लोग कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आप चाहो तो एस सी वर्मा के भी अगर क्वेश्चन ट्राई करते हो उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, आप वहाँ से भी मुझे व्हाट्सएप पे भी अपने क्वेश्चन या फिर अपने डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।